मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज राज्य के जैप वन मैदान में आयोजित झारखंड राज्य स्थापना दिवस परेड सह पुलिस अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस के अदम्य साहस को सलाम करते हुए कहा कि झारखंड पुलिस के जिन जवानों ने राज्य की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है उन शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के सर्वांगीण विकास में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। राज्य में स्थिर सरकार बनने के बाद प्रत्येक सेक्टर में निरंतर विकास हो रहा है। पुलिस और आम जनता के सहयोग के कारण राज्य भ्रष्टाचार मुक्त, उग्रवाद मुक्त, अपराध मुक्त की दिशा में अग्रसर हो सका है। पिछले चार वर्षों में झारखंड से 80% उग्रवाद का खात्मा किया जा चुका है। पूर्ण विश्वास है कि शेष 20% उग्रवाद को भी झारखंड पुलिस उखाड़ फेंकेगी। पुलिस कर्मियों का अथक प्रयास का ही परिणाम है जो कि आज झारखंड को तीव्र गति से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने में सफल हो पाए है। रघुवर दास ने कहा कि सरकार बनने के बाद आम जनता की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के संधारण हेतु राज्य में 15,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है। राज्य में अपराध मुक्त व्यवस्था लागू करना सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान आधारित युग में पुलिस को भी तकनीकी का पूरा उपयोग करना चाहिए। राज्य एवं देश में साइबर क्राइम चुनौती के तौर पर उभर रहा है। साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चिन्हित जगहों पर साइबर थाना भी बनाया गया है। साइबर क्राइम को आधुनिक तकनीक अपनाकर ही खत्म किया जा सकेगा। के कारण, जनता के सहयोग के कारण जहां देश दुनिया में झारखंड भ्रष्टाचार और उग्रवाद की घटना के लिए सुर्खी में रहती थी, आज पूरे देश दुनिया में 4 साल पूरे होने जा रहे हैं एक विधायक सरकार, उग्रवाद के तरफ मुक्त सरकार। ये राज्य की जनता नहीं बोल रही है, देश के राजनीतिक बड़े बड़े पत्रकार ये कह रहे हैं कि झारखंड विकास की ओर और अपराध और उग्रवाद मुक्त की ओर झारखंड बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि हम झारखंड से उग्रवाद मुक्त झारखंड बनाना, और ये हो सकता है, हमारे पुलिस विभाग में इतनी क्षमता है, इतनी दक्षता है कि आने वाले समय में हम झारखंड को उग्रवाद मुक्त झारखंड, थोड़ी 20% बची हुई है, इस 20% में भी स्थानीय जनता के सहयोग लेकर हम ये जो मुखौटा ओढ़े हुए ये जलेबी रसूलने वाले गुंडे, इनको आने वाले समय में हम सबक सिखाएं। ये संकल्प ये 2018 का स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबको लेने की